नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त सोना मैंने वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू लाइफ साइट विजिट एन अमेजिंग रियल एस्टेट चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग प्रोजेक्ट, यस अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट इन सेक्टर 36A गुरुग्राम। एंड यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, यस इट्स एन इंडो जापानीज फ्यूजन कॉन्सेप्ट। सो चलिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट लेट्स मीट द सेल्स टीम। वन मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ अपने सेल्स लाउंज पे। आप यहाँ देखेंगे कि लोकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, हम इस एरिया में इतने प्रीमियम एरिया पे बैठे हैं आज की डेट पे। सो आई एक्सप्लेन यू एंटायर थिंग, लेट्स प्रोसीड। ओके श्योर, सो लेट्स प्रोसीड एवरीबॉडी, लेट्स चेक आउट द अमेजिंग डिटेल्स, कम ऑन। सोनम जी, ये हमारा सेल्स लाउंज है एंड जिसे हम मोर ओवर एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके का ये फसाड है, आई मीन जो आप टाइल्स देख रहे हैं, स्टोन्स देख रहे हैं, एग्जैक्ट चीज़ बनकर के आ रही है हमारी फेज वन में। आपका क्लब इसी तरीके से रहेगा, डबल हाइटेड लॉबी रहेगी टावर ए और बी की, विच इज 16 feet टॉल अप्रॉक्स, और टावर सी की लॉबी हाइट रहेगी 31 feet टॉल, विच इज़ ए ट्रिपल हाइटेड लॉबी। सो अगर मैं आपको बेस्ट पार्ट बताऊँ हमारे प्रोजेक्ट का, सो हमारे पास 3 टावर्स के साथ 36,000 स्क्वायर फीट का वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस है जो इंटीग्रेटेड है तीनों टावर्स के साथ ग्राउंड लेवल पे। अब मैं आपको कंपनीज का बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगी लोकेशन मॉडल पे। आइए, तो सोनम जी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी सुमीटोमो और कृष्णा के बारे में। अगर मैं कृष्णास की बात करूँ तो 1993 में कृष्णास एस्टैब्लिश हुए थे एंड चेयरमैन हैं के अशोक कपूर जी। दे आर वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, जिसका मतलब है आप 80-90% व्हीकल जो ऑन रोड देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कृष्णास के सीट्स, रियर व्यू मिरर्स, डोर्स, हैंडल्स, ये सब चीजें होती हैं। वाओ, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर इनटू एसकेएच मेटल, मीडिया मैगजीन बाय द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म, they are into entertainment settings for Inox and PVR, all the recliner seats, it's been done by them. Apart from that, if I talk about Sumitomo, so jis tarike ke liye Sonam India mein hum Tata aur Reliance pe reliable hain, usi tarike se Japan mein log Sumitomo pe reliable hain. So you can think it's a diversified firm. और सुमीटोमो 1600 में एस्टैब्लिश हुए थे, इनके एंसेस्टर्स सारे के सारे मॉन्ग्स थे। आफ्टर देन दे वर इनटू मेडिसिंस, 1800 में ये कॉपर और माइनिंग में आए, दे नोन एज अ कॉपर किंग्स ऑफ जापान एंड देयर इज नो मेटल व्हिच इज अनटच्ड बाय सुमीटोमो। 1800 में सोनम ये कॉपर और माइनिंग में आए एंड दे नोन एज अ कॉपर किंग्स ऑफ जापान, देयर इज नो मेटल व्हिच इज अनटच्ड बाय सुमीटोमो टिल नाउ। उसके बाद 1900 में रियल एस्टेट में आए, अभी तक 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं इन्होंने अक्रॉस द ग्लोब। इनका अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट यूएस में है बाय द नेम ऑफ टाउनलेक। सो बेसिकली कृष्णाज एंड सुमीटोमो दे बोथ आर ऑन जेवी इन कृसुमी, बोथ आर इक्वली शेयर्ड जॉइंट वेंचर 50-50 ईच। नाउ आई विल बी टेकिंग यू टू लोकेशन मॉडल। सो सोनम, अब मैं आपको एक लोकेशन का ओवरव्यू दूंगी कि हम कहाँ खड़े हैं और NH8 कहाँ है। सो ये हमारा लोकेशन मॉडल है।
जहाँ पे आप देखें, अगर जहाँ आप लेजर लाइट देख रहे हैं, ये कंप्लीट लैंड पार्सल कृष्णमी के पास है 65 एकर्स का। अगर मैं बात करूँ NH-8 की, जिसका नाम अब कर दिया गया NH-48, यहाँ से हम दिल्ली की तरफ कनेक्ट करते हैं और इस तरफ से अगर आप देखें तो हम जयपुर को कनेक्ट करते हैं। ये है आपका सदर्न पेरिफेरल रोड विच इज 90 मीटर वाइड। नाउ दिस इज CPR विच इज 90 मीटर वाइड रोड, इंडिया स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। CPR stands for Central Peripheral Road, which means we are located, if you see geographically, we are located in center of Gurugram. So this is our phase one, where the blue light is steady. बाकी ये हमारा सारा future projection है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखें, वी आर जस्ट 1.8 किलोमीटर अवे फ्रॉम NH-8 अप्रॉक्स एंड वी आर 1.3 किलोमीटर अप्रॉक्स फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम है NPR 150 मीटर वाइड रोड। इफ आई एड सर्विस लेन टू इट, इट बिकम्स 200 मीटर वाइड, वेयर हमें एक और कनेक्टिविटी मिलती है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की, जो आगे जाके आपको कनेक्ट करेगा कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पे। सो अगर आप देखें, हम मेजरली हर एक हाईवे से कनेक्टेड हैं, बिकॉज अगर आप ये सीधा लेंगे, ये क्लोवरलीफ जंक्शन है। आप आए हैं सोनम, क्लोवरलीफ जंक्शन आपने देखा है? यस, आई हैव सीन इट। सो ये कनेक्ट करता है आपको फर्दर SPR से, जो आगे जाकर के आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड इन दिल्ली बॉम्बे हाईवे को भी कनेक्ट करता है। बेस्ट पार्ट, हम लोग बाउंड्री वॉल शेयर कर रहे हैं ग्लोबल सिटी के साथ, जो कि 1100 एकड़ का लैंड पार्सल है HSIRDC के पास। एंड दिस विल बी लाइंस ऑफ बिजनेस बे दुबई। This will be walk-to-work culture concept based, where there will be multi-talented offices, there will be incubation, innovation center, and many more. So, आज से पहले अगर आप देखें, गुड़गांव सिर्फ एम्बिएंट मॉल और आपका साइबर सिटी के नाम से जाना जाता था। But I'll assure you, आज के 10 साल बाद गुड़गांव ग्लोबल सिटी के नाम से जाना जाएगा। And we are sitting just next to them. So that means this project के appreciate होने के बहुत ज़्यादा chances. काफ़ी ज़्यादा chances हैं। So it's a very good option for investment. Exactly, exactly. बाकी सोनम, अगर आप project के सामने देखें, 220 एकड़ का ग्रीन बेल्ट है, जो कि प्रपोज किया जा रहा है कि ये पब्लिक गोल्फ कोर्स बन के आएगा। अगर नहीं भी आता, एज पर मास्टर प्लान अगर आप देखेंगे, फॉरएवर ग्रीन बेल्ट रहेगा। यहाँ आपका ISBT एंड मेट्रो टर्मिनल्स प्रपोज्ड हैं। सो अगर आप ये देखें, ट्रम्पेट जंक्शन, ये डायरेक्टली आपको एक्सेस देगा NH-8 शिव मूर्ति से, विच मीन्स एयरपोर्ट इन नियर फ्यूचर विल बी एग्जैक्ट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर लोकेशन। सो आप अगर मेजरली देखें तो लोकेशन, एक लग्जरी प्रोजेक्ट में लोग क्या देखते हैं? पहली चीज लोग देखते हैं लोकेशन। वी आर सिटिंग ऑन अ वेरी प्राइम लोकेशन। अगर मैं बाकी एरियाज की बात करूँ, तो आप देखोगे कि वाटर लॉगिंग की समस्या गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम पे। ट्रस्ट मी, आई एम वर्किंग विद कृष्णमी फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, और मैंने यहाँ कभी वाटर लॉगिंग नहीं देखी, बिकॉज जितना भी द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR, ये जो भी एरिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा का सारा आपका NHAI कर रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। सो वी सी, वी आर सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस विद इन 3 ईयर्स ओनली, एंड वी आर सीइंग कि हमारा खुद का फेज वन आज किस एप्रिसिएशन पे आ रहा है। इंडीड, दिस प्रोजेक्ट आई कैन सी ऑलरेडी हैज अ ब्राइट फ्यूचर। एग्जैक्टली। सो आई गेस हमारी लोकेशन के बारे में ऑलरेडी व्यूअर्स को अच्छे समझ आ चुके हैं, एंड दे ऑल्सो नो द प्लस पॉइंट्स कि ये प्राइम लोकेशन पर है एंड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एप्रिशिएट होने वाली है। एग्जैक्टली। राइट, सो आगे बढ़ेंगे and let's see what all we have in store. Yeah, I think मैं इन्वेस्टर्स को बोलना चाहती हूँ, आने वाले टाइम पे जो एप्रिसिएशन आना है गाइज, वो इसी एरिया पे आना है, विच इज सेक्टर 36A। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लोबल सिटी है आपकी 37B, 37A एंड 36B में। सो यू कैन थिंक हाउ मैसिव द एरिया इज एंड किस लेवल पे आगे जाके वो ग्रो होगा। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। सोनम जी, ये हमारा पहले फेज का मॉडल है। बेसिकली हमारा फेज वन आपका अप्रॉक्सीमेटली 5.44 एकर्स के लैंड पार्सल पे है, जिसमें आपका ये ग्राउंड जो है, ये पूरा क्लब है 36,000 स्क्वायर फीट का, जिसपे तीनों के तीनों टावर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है ग्राउंड लेवल से। वाओ। वेयर आप अगर एंट्रेंस पे देखेंगे, तो वी हैव केप्ट टू वाटर बॉडीज,
It says in Japanese, once you cross water, you take a lot of positive energy along with you, which eliminates negative energy behind. True, true. Now, interiors, architectures and landscaping has been done by Nick and Seki firm. They are very renowned architectural firm across the globe. They are number one in Japan, number two across the globe. Oh, wow. At the entrance, you will be having RFID boom barrier system, CCTV surveillance cameras and 3D security. Where when you enter in, traffic circulation will be one way throughout the project to avoid accidents as you would have experienced in abroad. Now, as I said, major USP is our clubhouse. Apart from that, for every tower, we are giving 7 elevators. Oh, wow. Saath mein se 4 aapki passenger high speed elevator hain, jo ground se top tak jayenge. 2 aapke shuttle elevators hain, jo ग्राउंड से पार्किंग से ग्राउंड लेवल तक आएंगे. एक आपके सपोर्ट स्टाफ के लिए एलिवेटर रहेगी जो कि अगेन ऑपरेशन है ग्राउंड से टॉप तक. लिफ्ट लॉबी ग्राउंड से टॉप तक कम्प्लीटली एयर कंडीशन है. हम स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं सोनम, जिसका मतलब है कोई भी दो टावर आपस में एक दूसरे को फेस नहीं करते. इससे क्या है, आपकी प्राइवेसी कम्प्लीटली इंटैक्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको एक लंबी बालकनी मिलती है जिससे सारे के सारे बेडरूम से इजी एक्सेस मिलेगा आपको, लिविंग डाइनिंग से, और घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी. फर्दर टावर सी में जो टॉप के 10 फ्लोर्स हैं, ये हमने प्रीमियम एक टाइपोलॉजी निकाले थे. बेसिकली इट इज अ प्रीमियम अपार्टमेंट्स, फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स विद प्रीमियम सर्विसेज, जिसको हम बोलते थे. सो कैटेगराइज कर दिए आपने बेसिकली कि जो टॉप 10 हैं, हाँ जी, वो प्रीमियम कैटेगरी में, प्रीमियम कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रीमियम सर्विसेज एंड फुली फर्निश्ड. बिल्कुल सोना. अब इसमें क्या है, आपका वाइट ग्लव सर्विसेज हम दे रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, हर टावर के टॉप पे आपके 4 पेंट हाउसेज हैं. पेंट हाउसेज ब्यूटीफुल हैं और आपके ड्यूप्ले हैं. पेंट हाउसेज साइजेस थे उसमें हमारा 36 स्क्वायर फीट, 4400 स्क्वायर फीट, 6500 स्क्वायर फीट का जो पेंट हाउस था उसमें हम है, उसमें हमारा पूल भी रहेगा. ओके, व्हिच इज अल्ट्रा लग्जरी. अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स अ शेयरिंग लॉबी फॉर टावर ए एंड बी. As I said, it's a double heighted lobby. That's for Tower C's lobby, which is triple heighted, 31 feet tall. Okay. अगर अब हम यहाँ से इस तरफ की ओर चलें, so ये हमारा EWS wing है, जो कि हर एक डेवलपर के लिए मैंडेट होता है कुछ लैंड पार्सल EWS को देना. इसके आगे भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये हमारा ग्रीन पूरा का पूरा वॉल बनाया है हमने, ताकि अगेन आपकी प्राइवेसी यहाँ कम्प्लीटली इंटैक्ट रहती है. सो आप मतलब देख रहे हैं, हम माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों पे कितना ध्यान रखा है डेवलपर ने. That's what I was observing actually, कि हर एक बेसिक डिटेल का बहुत ध्यान रखा गया. तो जैसे कि आपका नेम सजेस्ट करता है, प्रोवाइड अ लग्जूरियस एंड कम्फर्टेबल लाइफ स्टाइल. सो एक्चुअली वी कैन सी इट हियर इन द मॉडल इटसेल्फ. फॉर दीज पीपल, दे विल बी हैविंग सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट. In fact, for your domestic helpers, support staff, drivers, they will be having access via basement. Oh. Basement mein aapke 2-level car park basements hain, jisme aapke apart from car park, humne kuch aur amenities bhi provide kari hain. Oh, okay, like? Jaise ki aapka resident ke liye laundromat leke aa rahe hain. Then, would you explain that a little, what is exactly? So it's basically for a laundry. आप अपने लॉन्ड्री दे दीजिए, दे विल बी क्लीन, ड्राई क्लीन एंड सेंड बैक टू योर होम, बट विच विल बी ऑन चार्जेबल बेसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके सपोर्ट स्टाफ, ड्राइवर्स एंड यू नो, उनके लिए हमने शावर क्यूबिकल्स दिए हैं, वेटिंग लाउंजेस बनाए हैं उनके लिए. लॉकर फैसिलिटी दी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आपका कोई क्लाइंट है जिसने 2-bedroom अपार्टमेंट लिया, राइट? इट्स वेरी इजी फॉर देम टू स्टे इन योर होम, इन योर लिविंग डाइनिंग, आई मीन टू से, इफ दे डोंट हैव एस रूम. So they can go down, they can change, and they have a locker facility also, and they can resume back to their duties. Wow, that's very nice. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखेंगे एलिवेटर टेनिस कोर्ट दिया है यहाँ, इसके नीचे भी आपको कवर्ड कार पार्क दिए विजिटर्स के लिए. सो आप देख रहे हैं, मतलब स्पेशली समर्स में आप जब गाड़ियां बाहर पार्क करते हैं, सो आपकी गाड़ी हीट अप हो जाती है, चाहे आपके गेस्ट 1-2 घंटे के लिए भी घर में आना चाहें. सो उसके लिए हमने क्या किया, आपको कवर्ड कार पार्क दिए विजिटर्स के लिए भी. लैंडस्केपिंग बहुत नाइस. हाँ जी, लैंडस्केपिंग बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डिजाइन किया है निक एंड सेकी फर्म ने, जहाँ आप देखेंगे हमारे पास जॉगिंग ट्रैक्स हैं, हमारे पास ओपन सिटिंग है, ओपन एंड क्लोज कबानाज हैं, हाफ ओलंपिक साइज पूल एडल्ट्स के लिए है, एक छोटा पूल किड्स के लिए है, एक वाटरफॉल है साथ में. फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे हैं हमारे पास फाइन डाइनिंग अल्फ्रेस्को रेस्टोरेंट है, जिसमें एक बाहर आपका काउच है, अंदर बार भी रहेगा. इट्स अ मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट. टेरेस पे आपका जेन गार्डन है, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है योगा और मेडिटेशन के लिए.
ट्रावेसी के नीचे में आपको काफी कुछ मिलेगा जो मैं आपको बड़े मॉडल पे एक्सप्लेन करूंगी, क्लब हाउस मॉडल पे. यहाँ आपका इंडोर किड्स प्ले एरिया रहेगा और ये एरिया आपका आउटडोर किड्स प्ले एरिया रहेगा. इनफैक्ट पिक्चर्स भी जो आप प्रोजेक्शन टीवी पे देख रहे हैं सब पे, ये सारे एक्चुअल पिक्चर्स, आई मीन दीज आर दी एक्चुअल पिक्चर्स विच इज टेकन फ्रॉम आर्किटेक्चुरल ड्रॉइंग्स ऑफ निक एंड सेकी फर्म. एंड आई मीन दिस इज फॉर गुड फॉर कंस्ट्रक्शन. एंड ये फाइनल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. आपको जैसा फैब्रिक आपको सोफे का दिख रहा है आपको वही फैब्रिक मिलेगा. एंड कैन यू इमेजिन सोनम, ये 3 साल पहले हर एक चीज डिसाइड की गई थी, 3 से 4 साल पहले. सो दिस इज हाउ जापानीज एंड यू नो जापानीज वे ऑफ वर्किंग, कि एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज पे काफी गौर रखते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ विजन दे हैव, यू नो, फॉर द फ्यूचर. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्टे पुट टू इट. एग्जैक्टली. अब अगर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, जो कि एक दूसरा मेजर पॉइंट होता है जब हम लग्जरी की ओर जाते हैं. सो आई मीन क्लाइंट्स को पहला लोकेशन चाहिए, फिर उनको ट्रस्ट चाहिए डेवलपर पे. सो सुमितोमो एंड कृष्णास बोथ हैज जीरो डेट फर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट, डेवलपर को चाहिए, क्लाइंट्स को चाहिए कि डेवलपर क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लेके आ रहा है, जो कि इंडिया में एक मेजर इशू है सीपेज और लीकेज का. टाटा प्रोजेक्ट्स आर दी वन हु आर डूइंग कंस्ट्रक्शन फॉर अस फॉर फेज वन. यहाँ आपका लीकेज और सीपेज को बहुत ही दिमाग में रखा गया है उस चीज को. वी आर यूजिंग पॉली प्रोपलाइन पाइपिंग टेक्नोलॉजी. जनरली डेवलपर्स आपके पीवीसी यूज करते हैं पाइप्स में. उससे क्या है, ये पीपीपी आपकी केमिकल फैक्ट्रीज में यूज की जाती है ताकि किसी केमिकल का लीकेज ना हो. वी आर यूजिंग सेम टेक्नोलॉजी राइट ओवर हियर. सो जिसका मतलब है कि आपको लीकेज और सीपेज पे भी 5 साल की वारंटी मिलती है. बाकी आपके जो अपार्टमेंट है उसमें हम इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं जिसपे आपकी 5 साल की वारंटी है, बिकॉज इट्स टर्माइट प्रूफ, पेट फ्रेंडली एंड वाटर रेजिस्टेंट. Okay, so you are giving a 5 years warranty as well. We are giving 7 certificates, which come along with 5 years of warranty. वो आपका documented रहता है. That is great. So I guess बहुत ही कम ऐसे developers होते हैं जो actually 5 years warranty provide करते हैं अपनी buildings पे regarding seepage और है ना anything. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है. And I think this is one of the plus factors why our viewers would love to visit here. Exactly. Exactly. एंड मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगी, चाहे आप यू नो क्रिसुमी आपके बजट में नहीं फॉल करता है इन केस, बट आपको एक बार क्रिसुमी सेल्स लाउंज पे ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज वी गॉट यू नो बेस्ट रिव्यू फॉर आर सेल्स लाउंज. बिकॉज हमारा ये सेल्स लाउंज सिर्फ सेल्स करने के लिए नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस सेंटर है कि किस चीज़ की यू नो क्या लेकर के आ रहे हैं हम, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस इस लाउंज पे मिलता है. सो अब मैं आपको सैम्पल अपार्टमेंट लेकर के चलती हूँ. सो सोनम, अब हम सैम्पल अपार्टमेंट की तरफ चलेंगे. अब आप देख रहे हैं जहाँ अभी हम हैं, ये आपका रेप्लिका बनाया हुआ है लिफ्ट एंड लॉबी के लिए, वेयर यू विल बी गेटिंग सिमिलर वुडन इंटीरियर, मेटल फिक्स्चर्स एंड 4 elevators विल बी प्लेस्ड लाइक दिस इन योर एक्चुअल साइट आपका प्रोजेक्ट पे, जिसमें एलिवेटर सारे आपके मित्सुबिशी के हैं. स्पीड विल बी 3 meters per second. अप्रॉक्सीमेटली वेटिंग टाइम फॉर आर एलिवेटर्स विल बी फ्रॉम 27 seconds टू 35 seconds. एग्जैक्टली, दैट्स क्वाइट फास्ट. एग्जैक्टली. एंड ऑल द एलिवेटर्स, I mean all your lift lobby are completely air conditioned. Yes, as you told me. Now we are the only developer who have given a sample for elevators also. So aap agar dekhenge elevators ke andar jaake bhi, aap step in karke bhi agar dekhenge. Chalo, let's check out the sample of elevator. Indeed, it's beautiful and I'm already fascinated by the lift lobby design. Exactly. But I guess this is also for very premium, I would say. It's giving a very premium and classy exactly. look here. Exactly, exactly. Yes. So, अब मैं आपको एक बारी थोड़ा सा लेआउट एक्सप्लेन करूंगी सोनम की. Sure. लेआउट क्या है हमारे. सो अगर आप देखें यहाँ 3 रिप्रेजेंट करता है बेडरूम नंबर को. अपार्टमेंट में कितने बेडरूम है. एलडीके स्टैंड करता है लिविंग डाइनिंग किचन, जिस तरीके से हम इंडिया में बीएचके कंसेप्ट लेकर के आए थे उसी तरीके से जापान में आपका एलडीके बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एसटी रिप्रेजेंट करता है क्रिसुमी सेलेक्ट ऑप्शन को, स्टडी को, जिसका मतलब है हमने यहाँ आपको काफी चॉइसेस दिए थे. सो पहला चॉइस था हमारा कि जितने भी इवन नंबर के फ्लोर्स थे आपके 2, 4, 8, इन पे सारे के सारे आपके
ग्रे कलर थीम्ड अपार्टमेंट थे. अगर जितने भी और नंबर पे जिन भी बायर्स ने अपार्टमेंट लिए हैं वो सारे आपके बेज कलर थीम अपार्टमेंट थे. मेरे पास इसका सैंपल भी है जो मैं सोनम आपको बाद में दिखाऊंगी. इसके अलावा किचन में भी अगर देखें तो हमने दो ऑप्शन दिए थे, ओपन एंड क्लोज. अगर आप बेडरूम देखें तो फर्स्ट बेडरूम को आप बेडरूम या टीवी लाउंज में से सेलेक्ट कर सकते थे. एस को सर्वेंट स्टोर स्टडी आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते थे. ये सोनम एक प्री डिफाइंड इन्वेंट्री सिस्टम सेटअप है जिसमें कंपनी ने एक कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रखे हैं. फॉर एग्जांपल ओपन किचन के साथ टीवी लाउंज ही देंगे, उसके साथ स्टडी ही देंगे. इस तरीके के हमने कॉम्बिनेशंस अपने विंग्स में दे रखे थे सो पीपल कैन चूज आउट ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एरिया की बात करूँ तो यहाँ अगर आप सेलेबल एरिया देखोगे वो है 2528 स्क्वायर फीट. इसमें से कार्पेट एरिया आपका आता है 1325 विच मीन्स वॉल टू वॉल वेयर आई कैन ले द कार्पेट. इस एरिया में सोनम यूटिलिटी बैल्कनी, मेन बैल्कनी, इनर वॉल थिकनेस ये सब चीज़ें एडेड नहीं है. जब मैं सारी चीज़ें कार्पेट एरिया में ऐड कर देती हूँ दैट बिकम्स माई यूजेबल एरिया विच इज़ एक्सक्लूसिव एरिया जो हमारे यहाँ 1915 का दिया गया है. सो ये मैंने आपको एरिया डिस्क्राइब किया. अब हम चलते हैं सैम्पल की ओर. सोनम ये हमारा सैम्पल है 3+S का 2528 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट साइज है जिसमें अगर आप एंट्री डोर देखें तो वी विनर वुड से बना हुआ है विच कैन विदस्टैंड फायर अप टू 2 hours एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटायर अपार्टमेंट में आप वुडन फ्लोरिंग देखेंगे. ये जो वुडन फ्लोरिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 साल की वारंटी के साथ आती है. टर्माइट प्रूफ है, पेट फ्रेंडली एंड वाटर रेजिस्टेंट है. अपार्टमेंट में आपको वाइन सेलर, वॉलपेपर और जो आप पैनलिंग देख रहे हैं ये नहीं मिलेगा. विल बी गेटिंग अ वाइट कलर इमल्जियम एक्रेलिक पेंट ऑल ओवर द वॉल्स. अपार्टमेंट में आपको डक्टिंग वीआरवी एसी देंगे लिविंग डाइनिंग के लिए एंड बेडरूम्स में आपको सारे वॉल माउंटेड एसी यूनिट्स मिलेंगे. ऑल द एसीज आर कनेक्टेड वाया सिंगल कंप्रेसर विच वी हैव केप्ट इन यूटिलिटी बैल्कनी एंड दीज आर हॉट एंड कोल्ड बोथ फ्रॉम डाइप. आप कुछ पूछ रहे थे सोना? अब मैं आपको ब्यूटीफुल पार्ट दिखाऊंगी इस अपार्टमेंट का जो है हमारी बैल्कनी. बैल्कनी जो आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल फीचर इस अपार्टमेंट का विच इज 56 feet लॉन्ग टू द लेंथ ऑफ द अपार्टमेंट. विड्थ की अगर मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेटली 5.6 feet का विड्थ आता है. इसमें स्टेनलेस स्टील रेलिंग्स आएंगे, डबल लेयर टफिंग ग्लासेस आएंगे, एंटीस्किड टाइल्स आएंगे और जितने भी आप फ्रेमिंग्स देख रहे हैं सारे आपके टॉस्टन के हैं लेक्सिल. दीज आर एल्यूमिनियम नॉट UPVC. ग्लासेस आपके सारे पार्शली साउंड प्रूफ हैं एंड हीट रेजिस्टेंट है फ्रॉम अगेन जापानीज ब्रांड AGCSI. दौरान क्या हुआ लोगों को एक स्पेस ओपन स्पेस का रियलाइज हुआ. पहले क्या होता था आपकी बैल्कनीज बहुत कॉम्पैक्ट होती थी. सो कोविड में यू नो दिल्ली में जो लोग रहते थे उनके लिए तो रूफ होता है सो दे वर वेरी फॉर्चुनेट कि वो अपने छतों पे बैठ के एंजॉय करते थे. बट जो लोग स्पेशली गुड़गांव जैसी जगह में रहते हैं जहाँ पे आपको बैल्कनी का साइज काफ़ी छोटा मिलता है सो उनके लिए हार्डली काफ़ी मुश्किल होता था बिकॉज बैल्कनी आपके प्लांट्स भी होते हैं और आप योगा जैसी चीज़ नहीं कर सकते, आप रनिंग नहीं वॉकिंग नहीं कर सकते. सो बेस्ट पार्ट ये है इस बैल्कनी का कि यू कैन टेक अ लॉन्ग वॉक एंड यू कैन यूटिलाइज इन एनी विच वे. एग्जैक्टली. सो काफ़ी spacious balcony and I would say and nowadays people have a special you know affinity towards balcony. I would say ki unhe balcony acche se decorated chahiye, spacious chahiye. Exactly. So I think you're actually fulfilling that purpose for the clients and for the users as well. Exactly. Now I'll be showing you bedroom. अब मैं आपको किचन दिखाऊंगी सोना. ब्यूटीफुल किचन है. अगर मैं किचन की बात करूं तो दो कॉन्सेप्ट पे किचन थी, ओपन एंड क्लोज्ड. ओपन आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से मिलेगी एंड क्लोज में आपका वॉल यहां दे देंगे एंड दिस साइड विल बी योर डोर. किचन कम्स विद ग्रेनाइट काउंटरटॉप लेदर फिनिश. इफ यू चूज ऑड फ्लोर्स यू विल बी गेटिंग अ ग्लॉसी टच. ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट द चॉइस ऑफ द कस्टमर. एग्जैक्टली. देन वी आर गिविंग कंप्लीट अपर एंड लोअर कैबिनेट्स. कैबिनेट्स सारे आपके सॉफ्ट टच हैं.
चिमनी हॉप सिंक इज अ स्टैंडर्ड ये रहेंगे जो चीज नहीं है यहाँ वो है आपके वाइट गुड्स डिश वॉशर माइक्रोवेव अवन कॉफी मेकर एंड योर रेफ्रिजरेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेलेबल सो ये पूरा एरिया भी सोना में आपको पूरा का पूरा हॉलो मिलता है सो यू कैन इमेजिन वी हैव वेरी स्पेशियस किचन सो बेसिकली इट विल बी वेरी स्पेशियस किचन इफ दे वांट दे कैन ऐड सम थिंग्स बाय देमसेल्व्स अदरवाइज दे वांट टू गेट अ स्पेशियस वन एग्जैक्टली दैट्स नाइस एंड दैट्स अ यूटिलिटी बालकनी सोनम यूटिलिटी बालकनी भी आप देख रहे हो काफी स्पेशियस है ये आपका वीआरवी कंप्रेसर है जिससे सारे एसी कनेक्टेड हैं ये एरिया ओपन रहेगा टुवर्ड्स द स्काई आप फेस करोगे दूसरे अपार्टमेंट की यूटिलिटी बालकनी को बैक से ये आपका एस रूम आ जाता है इस तरफ पे अगर आप सर्वेंट रूम लेते हैं तो सर्वेंट्स का आना जाना आपका किचन के थ्रू रहेगा So we can check that out right now. Yes. Yes. Let's check the servant room. सोनम अब मैं आपको सेवेंथ रूम भी दिखाती हूँ उससे पहले मैं आपको एक टीवी लाउंज के और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहती हूँ बिकॉज ये भी कुछ डिफरेंट कंसेप्ट था टीवी लाउंज वाला जिसमें पहला रूम जो था उसमें कस्टमर्स के पास चॉइस थी कि आप टीवी लाउंज भी देख सकते हैं या बेडरूम अगर आप ये टीवी लाउंज देखते हैं तो ये पूरा एरिया इस तरीके से ओपन मिलता है आपको और अगर आप इसे बेडरूम लेना चाहते हैं तो इस तरफ पे बेडरूम के लिए डोर आ जाता है और ये एरिया आपका सारी पैनलिंग नहीं रहेगी बेसिकली हमने काफी पैनलिंग का काम किया इस अपार्टमेंट में सारी पैनलिंग ही रहेगी सो एक्चुअल वॉल स्टार्टिंग एग्जैक्टली वॉल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड दिस इज वेयर योर वॉल गोना एंड राइट बिहाइंड आई विल टेक यू टू सेवन स्टडी स्टोर Now this is S room जहाँ पे customers के पास choice है servant store study में से कुछ भी opt कर सकते हैं अगर store लेते हैं तो यहाँ एक door आ जाता है यहाँ wall आ जाती है servant लेता है कोई तो हम यहाँ washroom दे रहे हैं servants के लिए ये area block हो जाता है wall से आना जाना servants का बाहर utility से रहेगा और अगर इसे हम स्टडी लेंगे तो ये एरिया ओपन रहेगा वुडन फ्लोरिंग और एसी के साथ जैसे आप देख रहे हैं सो आप पिक्चर्स को रेफर कर सकते हैं सोनम ये ऐसा सर्वेंट रूम लगेगा दिखने में एंड इस तरीके से आपका स्टडी रूम लगेगा सो यहां वॉशरूम इधर आ जाएगा राइट सर्वेंट्स के लिए वॉशरूम इधर दे देंगे अगर मैं किड्स रूम की भी बात करूं तो सेम साइज है सोनम 11x12 का ब्यूटीफुल रूम है एंड बेस्ट पार्ट कि आपके किड्स रूम के साथ अटैच वॉशरूम है वॉशरूम में भी सोनम हम बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स दे रहे हैं टोटो एंड ग्रोहा सो यू कैन सी वी हैव हर्ड ऑफ ग्रोहा अ लॉट या एंड दीस आर अगेन दीस कम्स विद 5 इयर्स ऑफ वारंटी ईच सो डू वी गेट दिस शार इंक्लूड शार क्यूबिकल स्टोरेज बॉक्सेस और लुकिंग मिरर आपके ऐड ऑन में है सोनम ओके यू नो वी हैव क्रिएटेड फ्यू ऐड ऑन्स फॉर आवर कस्टमर्स फॉर एग्जांपल इफ एनीबॉडी वांट्स टू बाय गीजर इफ एनीबॉडी वांट्स टू बाय एग्जॉस्ट फैंस एंड वैनिटी दे कैन वी हैव सर्टेन पैकेजेस गिवन द ऑप्शन एज़ वेल एग्जैक्टली If they want your choice or their choice, you know? Exactly. That's good. Okay. And even I love the interior, like the way you have decorated the kids' room. Beautiful. काफी लोग approach करते हैं हमें कि apartment के बाद हमें similar interior चाहिए. So definitely जिन vendors ने हमारे लिए किया है सोनम, हम उन vendors का number आपको share कर देते हैं. So do we get a wardrobe or something as well here? Wardrobes भी add on में हैं. Wardrobes add on. Okay. So, मैं अभी आपको एक बारी बालकनी विच इज अटैच्ड टू द लिविंग रूम एंड डाइनिंग बिल्कुल एक लंबी बालकनी जा रही है टुवर्ड्स एंड सोनम इस लंबी बालकनी से मैंने शायद पहले भी बताया था वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है अपार्टमेंट में क्रॉस वेंटिलेशन भी रहता है सपोज कीजिए आप अगर स्टोर या स्टडी लेते हैं इसका डोर ओपन कर देते हैं साइमल्टेनियसली आप इसका डोर ओपन कर देते हैं स्लाइडर ओपन कर देते हैं तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है अपार्टमेंट में Get it. Now we'll take you towards the common washroom.
अब अगर आप वॉशरूम देखेंगे तो इंटीरियर्स इतने ब्यूटीफुल तरीके से किए हैं सोनम कि अगर आप कुमोड देखेंगे तो डोर के पीछे है, यू नो, विच डजंट गिव यू अ शैबी लुक वंस यू एंटर इन. सोनम अगर आप देखोगे हर एक डोर पे आपका रबर सील इंटैक्ट है. अगेन योर डोर्स आर पार्शली साउंड प्रूफ बिकॉज ऑफ जापानीज एटिकेट्स. वेरी नाइस. सो दैट इज अनदर ब्यूटीफुल थिंग. नाउ दिस इज अ मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम का साइज आता है सोनम 12.5x15 का साइज है. 12.5 स्पेशियस. Where again इस बेडरूम में भी पैनलिंग है. ये सारा पैनलिंग आपका हट जाता है. So you get a lot of space again. एक विंडो है जो ओपन होती है स्काई पे. ये एरिया भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट रहेगा इस एरिया में भी. ये आपका वार्डरोब एरिया आ जाता है. So the cavity will be there. So if they want, they can have it. Exactly. Or otherwise they can design as per their choice. As per their choice. ये cavity nice. आपको मिलती है. Then ये आपका मास्टर बेडरूम के साथ वॉशरूम. वॉशरूम. So this is the washroom with the master bedroom. Yes. I love the combination here, the tile combinations, the color theme. Exactly. It's beautiful. एंड सोनम यही नहीं, मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन भी दिखाऊंगी अभी. बाहर मेरे पास सैंपल है बेज कलर का. सो आई मीन आई लव द पार्ट हाउ दे हैव प्लेड विद कलर्स. इंडीड इंडीड. या वेरी सिंपल सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी सूदिंग एनवायरनमेंट दे हैव क्रिएटेड. एंड आई थिंक व्हेन वन पर्सन बाइज द होम दे डेफिनेटली लुक फॉर सम कलर कॉम्बिनेशन. एग्जैक्टली. सो आई मीन पहले गुड़गांव में आपका यू नो हर कोई डेवलपर इटालियन मार्बल शैंडलियर इन सब चीज़ों पे फोकस करता था. बट यहाँ अगर आप देखोगे हम लग्जरी भी हैं सेम टाइम पे और हम बहुत ही सिंपल और सोफिस्टिकेटेड सटल लुक दे रहे हैं. बिकॉज आजकल वो कहते हैं ना कि सटल इज द क्लास दीस डेज. सो इफ यू वांट टू हैव समथिंग क्लासी लेस इज मोर इन दैट केस. एग्जैक्टली. सो इट्स ब्यूटीफुल. सो यू कैन सी आजकल अगर लड़कियां भी जा रही हैं तो लड़कियां भी न्यूड लिप शेड प्रेफर करती हैं. सो उस तरीके के लिए हमने अपने के लिए भी सारी चीजें न्यूड में रखी हैं. ग्रे न्यूड्स एंड देन बेज न्यूड. दैट्स ट्रू. प्लीज चलिए लेट्स मूव अहेड. आई सोनम अब मैं आपको सैंपल दिखाऊंगी. जिस तरीके का मैं अंदर आपको एक कंसेप्ट बता रही थी एक ही ग्रे एंड जेन बेज. एक ही ग्रे में आप देखोगे तो टाइल्स सारा ग्रे कलर थीम पे है. ग्रेनाइट काउंटर टॉप है लेदर फिनिश. अगर आप वुडन इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पे डार्कर शेड पे है डोर या फ्लोरिंग. एंड अगर आप बेज कलर देखेंगे जिस जेन बेज नेचुरल एंड एलिगेंट इसमें ये सब बेज कलर का है. और अगर आप काउंटर टॉप भी देखेंगे तो ये ग्लॉसी टच में है काउंटर टॉप भी. वो आई थिंक थोड़ा मैट टच मैट फिनिश में. एंड अगर आप डोर हैंडल्स भी देखेंगे वहाँ डार्कर टोन में हैंडल्स, यहाँ सारे आपके लाइटर टोन में हैं. एंड सिमिलरली आपकी फ्लोरिंग और कैबिनेट सारे लाइटर टोन में आ जाते हैं. सो हर चीज बहुत आई थिंक ऑब्जर्व करिए कि यू नो कौन से कॉम्बिनेशन साथ में अच्छे लगेंगे एंड देन यू हैव गिवन द ऑप्शंस. दैट इज ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ. यस. अब मैं आपको एक बार क्लब हाउस मॉडल दिखाऊंगी. डेफिनेटली. Then we'll take you to phase 2. सोनम ये हमारा क्लब हाउस मॉडल है फेज 1 के लिए वाटरफॉल रेजिडेंसेस के लिए. जिसपे ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो टावर ए विल बी राइट ऑन टॉप ऑफ दिस. ओके. एंड टावर बी विल बी राइट ऑन टॉप ऑफ दिस. वेयर अंडरनीथ टावर बी देयर विल बी स्पा सैलॉन सोना जिमनेजियम विच विल बी फेसिंग टुवर्ड्स लश ग्रीन एंड पूल व्यू. ओह वाओ. We have area to play squash in that theater along with bar and karaoke. Okay. 4 high speed elevators, 2 shuttles, 1 service for tower A and these are for tower B. Oh, that's great. And that's your entry for your waiting area and reception for clubhouse, banquets. El Frisco dining along with bar, Zen garden, Tower C triple heighted lobby. Then that's a dry garden. Now Tower C will be right on top of this area. Okay. Now we have given convenient shopping grocery store for daily needs and grocery items also. So ताकि जो हमारे buyers हैं उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो बाहर जाने के लिए उनको जाना ना पड़े. अंदर ही अंदर project में हर चीज मिल जाए. Society के अंदर एक tuck shop कह लो या फिर exactly proper grocery store. That's a refreshment corner for evening snacks, library, and that's your kids play area, indoor, outdoor kids play area. That's very nice. Perfect. अब इसी के साथ मैं आपको लेकर के चलती हूँ phase 2 model पे.
सो सोनम, ये हमारा फेज टू का मॉडल है जिसका एलिवेशन है G+34 फ्लोर्स, जिसमें टॉप टू फ्लोर्स हमारे पेंट हाउस आ जाते हैं। बेसिकली ये हम वन बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट तरीके की चीज लेकर के आए थे, जिसमें हमारे पास एक फ्लोर पे 10 अपार्टमेंट है। तीन साइजेस थे यहाँ पे, 1181 स्क्वायर फीट और उससे छोटा साइज था 979 स्क्वायर फीट और सबसे छोटा साइज था हमारा 921 स्क्वायर फीट। ब्यूटीफुल पार्ट इस प्रोजेक्ट का ये था है कि आपका बैक साइड पे इन्होंने शरारत वाटरफॉल एक कंसेप्ट पे वाटर बॉडी बनाया है, एक आइलैंड क्रिएट करा है जिसमें कहीं वाटर डेप्थ होगा आपका 4 feet, 3 feet, 2 feet डीप। यहाँ से आपका वाटरफॉल जो है वो फॉल करेगा इस आइलैंड पे एंड बिहाइंड पे आपको बेंचेस दे रखे हैं सो विजिटर्स कैन एंजॉय द व्यू ऑफ वाटरफॉल हैपनिंग। ब्यूटीफुल। एंड देयर इज अ बार एंड लाउंज ओपन राइट ओवर हियर। वी हैव क्रिएटेड अ टॉडलर आइलैंड ऑल्सो for toddlers, okay, which will be 2 feet deep. Okay. Then there is a lap pool also, which is 25 meters. So people can actually enjoy this pool or it's just for the view? No, they can enjoy the pool. They can actually enjoy the pool. And we have done, you know, organic gardening also in between. Agar aap dekhenge, to trees lagaye hue hain uske beech mein. And we have a long lap pool, which is 25 meter, 4 feet deep. Wow. बेस्ट पार्ट इसके ग्राउंड पे 18,000 स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस है जिसमें आपका रेस्टोरेंट है, स्पा सैलून सोना है एंड देयर विल बी 3 बिजनेस मीटिंग रूम्स व्हिच विल बी वेरी मैसिव। सो आई मीन एक एक्सपैट को या आप लगा लीजिए जो आपके बैचलर्स हैं जो भी यहाँ रहेंगे राइट उनके लिए वो सारी इम्यूनिटीज दी जा रही हैं जो उनको चाहिए होती है। जस्ट लाइक अ होटल यू चेक इन देन यू नो you want to refresh yourself, you want to enjoy the services and then you can go to your apartment and you can relax. So us tarike ka hum phase 2 ek project lekar ke aaye the which got sold in 72 hours. Oh my god. See, yes. It's just 72 hours and 72 hours and one tower was all so over. Wow. So I hope Sonam aapko entire show round acha laga hoga. It was and, amazing. It was a different experience, I hope, indeed, for you indeed. All together. Yes. Now, aap kuch poochna chahte? Yes, I would like to ask ki our viewers will still want to know that why should we invest in Krisumi? So, what would you like to tell about that? See, main bas yehi bolna chahungi ki आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं सो सबसे पहला रीज़न होता है प्रॉपर्टी लेने का कि मेरी लोकेशन क्या है। सो सोनम, मैं इस पर आपको आंसर देना चाहूँगी कि जब भी कोई घर लेता है, फॉर एग्जांपल कल के दिन आप खुद ही घर लेंगे राइट तो पहली चीज़ मैं घर लेने में क्या देखती हूँ कि क्या मैं जहाँ घर ले रही हूँ वहाँ आसपास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, क्या रोड्स प्रॉपर बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है एंड जो डेवलपर है फाइनेंशियली उसका बैकग्राउंड क्या है। सो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ जिसमें Krisumi इज़ नंबर वन। अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, आई हैव गिवन यू ओवरव्यू कि हम सारे मेजर हाईवेज़ को कनेक्ट कर रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की, टाटा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके बाद मैं अगर डेवलपर फर्म की बात करूँ तो Sumitomo एंड कृष्णाज बोथ आर जीरो डेट फर्म। सो आई होप दिस मच इज़ यस। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए दैट व्हाई टू इन्वेस्ट इन Krisumi। Exactly. So thank you so much. It was amazing being with you and you explained everything so well. I think hamare viewers ko aapki explanation bahut pasand aayi hogi. So thank you so much. So aap kabhi bhi Krisumi aaye so aap zarur miliye. I'm Sumegha Handa, I'm a senior sales manager here and Sonam, it was lovely to have a word with you and you. After this we will have a coffee, cup of coffee sure together. sure would love to. So okay everyone, this is your host and dost Sonam signing off. Kaisa laga aapko ye Krisumi ka project and humne jo aapko 3 LDA+ SA dikhaya, kaisa laga aapko mujhe comments mein zarur bataye and if you like the video then like the video. Also do not forget to subscribe to our channel Lifesite Visit. This is your host and dost Sonam signing off.